मध्य प्रदेश माप आर्मी बोर्ड के परीक्षा रद्द होने के बाद अब कहो न कहो साफ तौर में ये समझ में आ रहा है कि जून माह स्कूल न खोले जाइए। कल है कि जो है मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के बेहद बड़ा बयान आया है। उनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया है कि 15 जून से एडमिशन की प्रक्रिया तो शुरू की जाए किंतु स्कूल न खोले जाइए। विधि क्षेत्र की ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष तिवारी अपना पंचायत का सब जन का प्रणाम करी थे, शुरुआत करी थी ये बेहद बड़ी खबर की जो हम अपना पंचायत बता दी कि मध्य प्रदेश में 12वीं के बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद अब जून माह स्कूल खुले के आसार नहीं आई। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के द्वारा कहा गया कि 15 जून से स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही लेकिन स्कूल न खोले जाए। बच्चन का लेके कोनो रिस्क नहीं ले सकता है, ये स्थिति सामान्य हो मां यह सब संभव हो। मंत्री समूह जो है सप्ताह में एक बैठक कई के कोरोना के मौजूद स्थिति की समीक्षा करी, यदि संक्रमण काबू में रहा था तब फिर से स्कूल खोले पर विचार की जाए। सरकार के द्वारा स्कूल खोले खितिर ऑनलाइन सुझाव मांगे गए हैं। एक ही खितिर स्कूल शिक्षा विभाग के वेबसाइट mp.mpgov.in लिंक जो है 2 जून से खोल दिया है। ए पर प्राचार्य शिक्षा संस्थान अभिभावक स्टूडेंट आम नागरिक से 30 जून तक सुझाव दे सकते हैं। ऐसे यह स्पष्ट है कि जून माह में स्कूल खुले की संभावना नहीं है। 4 बिंदु पर सुझाव मांगे गए हैं कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 प्रारंभ करे के बारे में का सुझाव है। दूसरा है प्ले स्कूल प्राइमरी मिडिल कक्षा 1 से 8 कब खोले जाए। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल निकट भविष्य में खोले जा सकते थे का। और अंतिम जो एमा सुझाव मांगा गया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण पद्धति पर का सुझाव है। अपना बजट बता दें कि कोरोना के बढ़त मामला का लेके जो है महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सा में सीमित लॉकडाउन तक कहीं कहो जो है रात में कर्फ्यू लगावे जैसा सख्त बंदोबस्त किए हैं, लेकिन लंबे समय बाद खुले स्कूल गुजरात पंजाब महाराष्ट्र के कई इलाका में स्कूल कॉलेज का फिर से बंद करे का पड़ा है। पंजाब में बोर्ड परीक्षा का 1 महीना खेती टाल दिन गया है। सरकार के द्वारा कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण और कोरोना कर्फ्यू के चलते जीवन में बहुत सारे बदलाव देखे गए। यह परिवर्तन के द्वारा हमारा आवश्यकता का नए सिरे से चिन्हित और परिभाषित किया गया है। ये माँ प्रमुख रूप से शिक्षा है। वर्तमान समय में यथास्थिति का ध्यान रखत की प्रदेश सरकार स्कूल शिक्षा का विद्यार्थी के अनुकूल बनावे खेती निरंतर प्रयास कर रही है और यह दिशा में निरंतर नवाचार की जान लागे। यह तथ्य का ध्यान में रखत की कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत नवीन शिक्षण सत्र प्रारंभ करे के संबंध में जो है सुझाव मांगे गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो स्कूल कॉलेज खोले के बाद ही जो कहा जाए प्राइमरी से लेके 12वीं तक वो कहे 12वीं से आगे जो कॉलेज की पढ़ाई है निश्चित तौर पर बेहद बड़ा एमा प्रभाव यह कोरोना वैश्विक महामारी डाली सी और जोने के चलते कहो न कहो देश के भविष्य जो है संकट में है। किंतु सबसे बड़ी बात कि यह भविष्य का निर्माता जो है आज वह भुखमरी के कगार में है कि प्राइवेट जो सरकारी संस्थान ही तो मत जो शिक्षक है वो मां जो पठन पाठन के कार्य रहा हुआ था हालांकि बंद है किंतु शिक्षकन का बराबर वेतन मिल रही है। किंतु सवाल यह उठता है कि जो प्राइवेट संस्था रही जिनकर देश के भविष्य निर्माण में बेहद बड़ा जो कहा जाए कि वो मां हिस्सेदारी है किंतु उनका कोई देखे वाला नहीं है। न सरकार की ओर से कौनों में की व्यवस्था मुहैया कराई गई कहे कि 2-2 साल से लगातार स्कूल बंद है, फीस बराबर आए नहीं रही है और लोगन का मतलब कहा जाए कि जो वो में शिक्षक रहे उनका जो है आज भुखमरी कगार में आ गए हैं। उनका पेमेंट तक नहीं मिल रही है, उनका तनख्वाह नहीं मिल रही है और हालात यह है कि वो बेचारे अब जीवन से जद्दोजहद कर रहे हैं। हालात यह है कि बड़ी बड़ी स्कूल के संचालक अब कहो न कहो बैंक में गिरवी रखे का तैयार हो रहे हैं। स्थिति यह हो रही है कि बैंक से लोन ले ले आखिर कब तक बंद स्कूलन का संचालित किए जाए। तो सरकार का यह और ध्यान दे चाहिए कि ऐसा संस्था जो शिक्षा और देश के भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रही तो उन्हों की और जो या देश के भविष्य निर्माण करें में महती भूमिका शिक्षक के तौर पर बताओ प्राइवेट स्कूलन में सेवा दे रहे हैं उन्हों के बेहतरी खितिर प्रयास हो और भुखमरी से जो है इन्हों का उबारे के प्रयास हो। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।